जयपुर में प्रदेश युवा कांग्रेस की कार्यकारिणी की बैठक चल रही है, जिसमें न्याय यात्रा 2024 को लेकर अहम चर्चा की जा रही है। इस बैठक में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और कांग्रेस नेता सचिन पायलट भी मौजूद हैं। तो बैठक की जा रही है, न्याय यात्रा को लेकर चर्चा की जा रही है। तस्वीरें बैठक से जुड़ी आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट बैठक में मौजूद हैं। आपको बताते चले कि राहुल गांधी न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। यात्रा किन किन मार्गों से होकर गुजरेगा, कैसे इस यात्रा को इम्प्लीमेंट किया जाएगा, इसी को लेकर ये खास चर्चा की जा रही है, जहां पर कई खास मुद्दों पर भी चर्चा लगातार जारी है। 2024 को लेकर अहम चर्चा की जा रही है। मिशन 2024 यानी कि लोकतंत्र चुनाव को लेकर भी ये चर्चा बेहद महत्वपूर्ण है कि राजस्थान में किस तरीके से लोकतंत्र का जो सबसे बड़ा पर्व है यानी कि लोकसभा चुनाव, उसमें कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन कर सके, क्योंकि राजस्थान में पिछले साल की अगर बात करें तो कांग्रेस का प्रदर्शन बेहद खराब रहा था, और ऐसे में कांग्रेस की कोशिश यह है कि राजस्थान में इस बार कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन कर सके। कि अब लोकसभा के चुनाव बहुत नजदीक है और 14 तारीख से राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा चालू हो रही है, और युवक कांग्रेस को भी जिम्मेदारी दी है राज्य के अलग अलग क्षेत्रों में काम करने की। 15 लोकसभा क्षेत्र युवक कांग्रेस को स्पेशली फोकस करने के लिए दिया है। मुझे खुशी है कि बहुत जल्द ही पूनिया जी ने अपने साथियों को बुलाया है, यहाँ चर्चा करेंगे कि आने वाले कुछ हफ्तों के अंदर किस रणनीति को लेकर युवक कांग्रेस के साथी हम सब मिलकर एक नई दिशा दें पार्टी के अभियान को। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी लगातार। और अगली खबर की ओर बढ़ेंगे। यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने पदभार ग्रहण करने के बाद विभागीय अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में यूडीएच स्वायत्त शासन विभाग, हाउसिंग बोर्ड, जेडीए, मेट्रो सहित संबंधित विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे। इस दौरान मंत्री ने अधिकारियों से पूर्ववर्ती सरकार की योजनाओं और विकास कार्यों को लेकर 7 दिन में रिपोर्ट तलब की। साथ ही नगर निकाय के बजट आवंटन की जानकारी को लेकर भी दिशा निर्देश दिए हैं। साथ ही अधूरे काम, अतिक्रमण को लेकर स्पष्टीकरण भी मांगा गया है। तो बताते चले कि मंत्री खर्रा ने कहा कि मेरे दो ही उद्देश्य हैं, समय पर काम पूरा होना और पारदर्शिता तरीके से जनहित के काम होना। देखिए मंत्री झाबर सिंह खर्रा के न्यूज 18 के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत। मंत्री झावर सिंह खर्रा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आज यूडीएच महकमे की पहली बैठक ली है, जिसके अंदर यूडीएच, एलएसजी, मेट्रो और हाउसिंग बोर्ड सहित तमाम विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। सर, आज सर पहली बैठक आपने ली है, अधिकारियों को साफ साफ निर्देश दिए हैं, क्या कुछ रहा आज बैठक में? आज जब से मेरे पास विभाग का घोषणा हुई थी, उसके बाद जो सूचनाएँ थी, उससे पहले जो जानकारियाँ मेरे पास थी, जनप्रतिनिधियों द्वारा जो जानकारी मेरे पास आई, आम जनता से जो कुछ शिकायतें और बातें मेरे पास आई, उन सब के मामले में अधिकारियों के साथ मैंने चर्चा करके उनको निर्देश दिए हैं। मैंने देखे उनको आज की मीटिंग में दो तीन बातें स्पष्ट की हैं। मुझे हर काम पारदर्शी तरीके से चाहिए, भ्रष्टाचार रहित चाहिए, और जो भी विकास के काम हों, जो भी योजना परियोजना आप बनाओ, वो गुणवत्ता के साथ समयावधि में पूरा हो। जो प्रोजेक्ट अधूरे पड़े हैं, लंबे समय से अनावश्यक रुके हुए हैं, उनके बारे में भी मैंने उनसे स्पष्ट करवाया कि क्या कारण है, वो कारण सहित आप मुझे भिजवाएं, ताकि और भविष्य में दोबारा कोई जो भी योजना परियोजना प्रोजेक्ट बने तो इन कमियों खामियों को दुरुस्त करते हुए ही उनमें आगे काम समयबद्ध तरीके से पूर्ण हो, इस प्रकार की व्यवस्था करें। और इसके अलावा मैंने उनको ये भी निर्देशित किया कि मैं अभी 2 बार विद्याधर नगर गया था किसी कार्यक्रमों में, वहाँ पिछले 4-6 महीने पहले सड़कें बनी और बहुत जगह जल भराव के कारण वो वापस टूट भी गई। तो भविष्य में विकास के काम हो तो इस प्रकार की जो त्रुटियां हैं वो भविष्य में त्रुटियां नहीं रहे, इसके बारे में भी मैंने सारे अभियंत्रिक सेवा के अधिकारियों को निर्देशित किया जेडीएम। और करेंगे इस बीच मिल रही बड़ी खबर का, जोधपुर से बड़ी खबर है। बाड़मेर के पूर्व विधायक मेवाराम जैन से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। मेवाराम जैन की याचिका से जुड़ी खबर और अपडेट सामने आ रहा है। जस्टिस कुलदीप माथुर की कोर्ट ने सुनवाई से इंकार कर दिया है।
मामले को अन्य बेंच में भेजने के आदेश दिए गए हैं। तो बड़ी सूचना निकलकर सामने आ रही है विधायक मेवाराम जैन की याचिका से जुड़ी। सहयोगी रंजन दवे हमारे साथ जुड़ चुके। रंजन, क्या वजह इसके पीछे? देखिए, अगर बात करें तो जो मेवाराम जैन की तरफ से जो याचिका पेश की गई थी उसमें कोर्ट ने पूर्व में सुनवाई करते हुए मेवाराम जैन की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी। इसके बाद पीड़िता की तरफ से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर मामले में जल्द सुनवाई करने की गुहार की गई थी। आज मामला सूचीबद्ध हुआ, जो जस्टिस कुलदीप माथुर की कोर्ट में जो है मामला सूचीबद्ध हुआ। जब मामले का नंबर आया तो जस्टिस ने इस मामले को सुनने से इंकार करते हुए किसी अन्य बेंच में भेजने के आदेश दिए हैं। चूंकि ये एक न्यायालय का स्वतंत्र निर्णय होता है और या कभी कोई जस्टिस किसी मामले में किसी व्यक्ति से जुड़ा हुआ होता है या कभी पैरवी की हुई होती है तो ये उनके क्षेत्राधिकार में है कि वो उनकी सुनवाई ना करे। तो ऐसे में जस्टिस कुलदीप माथुर की कोर्ट ने इस मामले में सुनने से इनकार करते हुए अन्य बेंच में भेजने का आदेश दिया है। जी, अब रंजन, चूंकि अन्य बेंच में इस मामले पर आगे कार्रवाई की जाएगी, न्याय किया जाना है, तो उसमें कितना और वक्त लग सकता है? आवाज पहुंच रही है रंजन? ठीक है, तो बड़ी खबर आपको बताई जहां पर मेवाराम जैन की याचिका पर सुनवाई टाल दी गई है। अब अन्य बेंच इस मामले पर सुनवाई करेगी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।